दोस्तों लौट आया हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इस अजूबे विचित्र मैदान में लौट आया हूं, जहां हम जानेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी कहानी को, और इस कहानी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, एडवांस लेवल तक छू रहे हैं। कुर्सी की पेटी बांध ली, नहीं तो काफी कुछ हवाई फायर हो जाए, धुआं धूं हवाई फायर हो जाएंगे, जैसे वॉर चल रहा है उसमें हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से लेक्चर को अटेंड नहीं करेंगे, पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस से सारी बातें नहीं सुनेंगे, तो यार हो सकता है कुछ आपसे मिस हो जाए, आपको तो भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना बना पाए, इसलिए मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बता दिया। इस एक लेक्चर में, प्यारे से लेक्चर में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पूरी कहानी में बयां कर दूंगा, आपको सुना दूंगा मेरी जुबान में, ठीक है। आप यार अपनी मेहनत से इस काम को हजम कर पाए, नहीं मेहनत करेंगे फिर आप कहेंगे सब अंडरस्टैंड नहीं हुआ, ये तो बड़े विचित्र बड़े अजूबे एलिमेंट्स। पहले ही बता रहा हूं काफी कुछ याद करने के लिए होगा, लेकिन हम लोग यार समझ समझ कर याद कर रहे होंगे, अच्छी बात क्या है, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, लेकिन दिल के करीब से देखना होगा। अगर दूर से ही हम देखकर बोल देंगे हाँ समझ आ गया, फिर तो भैया लंबे टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा, याददाश्त आपकी नहीं बन पाएगी। लेकिन 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 आप अगर बिल्कुल करीब से देखेंगे, महसूस करेंगे, फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि यार चीजें आपके दिल और दिमाग तक रिटेन ना रह पाए। हाँ बिल्कुल रह पाएंगी, और लंबे टाइम तक आप इनको याद कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही प्रॉब्लम होती है कि सर लंबे टाइम तक कैसे याद रखें, इसका कोई उपाय बताइए, पतंजलि का कोई प्रोडक्ट है तो हमें बताइए दिलाइए। ऐसा कुछ नहीं है, शिद्दत के साथ की गई मेहनत यार एग्जाम में काम आएगी और नहीं भूलेंगे। बिलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है, आप सोचते हैं कि हाँ यार कर गुजरेंगे ये काम, नहीं भूलेंगे, पक्की बात है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और बिलीव कीजिए यार कि हाँ ये काम आता है, कर लेंगे इसको, और बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन तो संजीवनी बूटी का काम करती है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं करते हैं उनका यार बंटाधार है। मान लीजिए एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले, तो बार बार रिवाइज कर रहे हैं, घिस रहे हैं अपने आप को, चमक तो देखिए उनमें ही आएगी। उम्मीद है यार आप सभी खूब सारी मेहनत कर रहे हैं और आप सब रेडी हो गए इस प्यारे से लेक्चर को देखने के लिए, सुनने के लिए। नोटबुक और पेन निकाल ले, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे होंगे, जिस प्रकार से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और ये ट्रांजिशन के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जी हाँ, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। फिलहाल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कहानी को काफी एडवांस लेवल तक ले जा रहे होंगे। तो जानिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एन माइनस 2f ऑर्बिटल और सबशेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इस प्रकार से लिख पाएंगे। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय n माइनस 2f 0 टू 14 n माइनस 1d 0 टू 2 n माइनस 1d 0 टू 2 ns2। ये होगी देखिए कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी ये, नोट कर लिया आपने। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा ये 28 एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए, ये 28 एलिमेंट्स हैं, कहाँ छिपे हुए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर छिपे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेंगे 28 एलिमेंट्स। कैसे मिल रहे होंगे, देखिए 3D सीरीज की शुरुआत हो रही होगी स्कैंडियम से, 4D सीरीज की शुरुआत हो रही होगी यूटेरियम से, और यार 5D सीरीज की शुरुआत हो रही होगी LS से, ठीक है, 6D सीरीज की शुरुआत हो रही होगी AC से, इसे AC। और आपको यार एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट से इस प्रकार से इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, एक एक यूनिट से यार एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा। यहां भी
एक एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा। प्यारी सी टेबल आपके पास होगी, जरा इस टेबल को गौर से देख लें, पहचान लें, ऐसा ही मिल रहा है क्या? हाँ ऐसा ही मिल रहा है। लेकिन एलए के बाद जो भी एलिमेंट यहां मिलेगा उसकी बात करेंगे, लेकिन ध्यान आपको ये देना है यहां एटॉमिक नंबर का 14 यूनिट से गैप मिल रहा है, यहां 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। सेम यहां भी होगा, इन सक्सेसिव एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का आप गैप देखेंगे तो 14 यूनिट का मिल रहा है, मतलब 14 एलिमेंट्स यहां भी गायब है। ये जो 14 प्लस 14 एलिमेंट्स मिलते हैं 28 एलिमेंट्स, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना? ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन यार इससे डिस्क्राइब की जाएगी। एनएस में यार कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एन माइनस वन डी में कितने मिल रहे होंगे, एन माइनस टू एफ में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, इसका आइडिया आपको दिया जा चुका है। तो क्या आप पीरियोडिक टेबल को देखना चाहेंगे कि देखना चाहेंगे आप ये 28 एलिमेंट्स कौन से हैं? हमारे पास पीरियोडिक टेबल भी है, हाँ एक टूल है देखिए, जिसको हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। टूल्स में जाएंगे और केमिस्ट्री में हमें पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी। पीरियोडिक टेबल है यहाँ पर, हाँ ये रही, ये देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए एलए के बाद एचएफ मिलता है। एलए का एटॉमिक नंबर है 57, इसके बाद डायरेक्टली आपको क्या मिलता है? एचएफ मिलता है। हाँ इसके बाद देखिए एचएफ मिलता है, और यहाँ देखिए एसी के बाद डायरेक्टली आपको क्या मिलता है? आरएफ मिलता है। यानी सी से लेकर एलयू तक, टीएच से लेकर एलआर तक। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, जूम किया जाए। पहली बार ही मैंने यार टूल से टेबल को ड्रॉ किया है टूल्स को यूज किया, तो हो सकता थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, जूम करने में प्रॉब्लम हो। अरे हाँ जूम हो गया अब शायद आपको क्लियर होगा। देखिए यहां आपको 14 एलिमेंट्स का गैप दिखाई दे रहा होगा, या एलए है या एसी है। एलए का एटॉमिक नंबर 57 है, ठीक है, और एसी का एटॉमिक नंबर 89 है। 57 के बाद देखिए 72 एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट मिलता है, और यहां देखिए 89 के बाद 104 एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट मिलता है। मतलब यहां से 58 से लेकर 71 तक, और यहां से देखिए 90 से लेकर 103 तक ये एलिमेंट्स मिसिंग है। सी से लेकर एलयू ये मिसिंग है, सी से लेकर एलयू ये मिसिंग, इनको सेपरेटली रखा गया, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है। और टीएच से लेकर एलआर, सी से लेकर एलयू और टीएच से लेकर एलआर ये एलिमेंट्स मिसिंग है। तो ये जो 14 एलिमेंट्स मिसिंग है ये यार सी से लेकर एलयू, और यहां देखिए जो 14 एलिमेंट्स मिसिंग है ये टीएच से लेकर एलआर, ये 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। यानी हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, हाँ ये वाले एलिमेंट्स, और एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 ये वाले एलिमेंट्स मिसिंग है। ये एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग मिल रही होगी, इनकी प्रॉपर्टीज अलग मिलती हैं। इसलिए यार पीरियोडिक टेबल से जो टेबुलर फॉर्म आपको मिलती है जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इससे यार अलग इन एलिमेंट्स को रखा गया। इनफैक्ट ये भी पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के साथ नहीं रखा गया, इनको अलग से रखा गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को यार सेपरेटली रखा गया है, थोड़े से अछूत हैं है ना, ज्यादा नहीं, ज्यादा होते तो इनकी स्टडी नहीं कर रहे होते, थोड़े से अछूत है, इतने हैं कि इनको सेपरेटली प्लेस किया गया है। जो टेबुलर फॉर्म मिलती है उसमें यार नीचे मिलते हैं इस प्रकार से इन दो रोज के अंदर, ठीक है। और यहां आपको बताया जाए कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स माने गए हैं, टेबल से अलग निकाल लिए गए हैं ना ये, अरे आप जानते ही नहीं जानते इनको, टेबल से अलग निकाल लिए गए हैं।
अगर पीरियोडिक टेबल से इनको अलग निकाल लिया गया, कहां से निकाल लिया गया बताया जा चुका है, एल ए के बाद और ए सी के बाद 14 एलिमेंट्स मिसिंग है, मायावी टेबल में आप देख चुके हैं, उनसे अलग निकाले गए। तो इनका जो ग्रुप नंबर होगा, दैट ग्रुप नंबर इज, देखिए ग्रुप नंबर 3 होगा, याद रखना है, ऑलवेज ग्रुप नंबर फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज 3। हाँ, इनका ग्रुप नंबर होगा 3। और पीरियड नंबर की बात की जाए, पीरियड नंबर एन की वैल्यू से डिसाइड होगा, है ना। पीरियड नंबर इज गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। अभी एन की वैल्यू क्या है इसकी बात कर रहे होंगे, पीरियड नंबर इज गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू से पीरियड नंबर डिसाइड होगा। एन की जो वैल्यू है, यहां आप देखेंगे एल ए के बाद जो सी और एल यू तक एलिमेंट्स हैं, ये मुझे लगता है एन इज इक्वल टू 6 की मैक्सिमम वैल्यू के कोरस्पोंडिंग मिल रहे हैं। हाँ, इनके कोरस्पोंडिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में एन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 6 मिल रहा होगा। और ए सी के बाद जो एलिमेंट है टी एच से लेकर एल आर तक, इनके लिए एन की मैक्सिमम वैल्यू 7 मिल रही होगी। मतलब पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर 6 और 7 होगा, इनके लिए 6 होगा और इनके लिए कितना होगा, 7 होगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी, आउबाउ रूल को फॉलो करना है, आउबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कर लेंगे उसकी बात, अभी टेंशन मत लो, कॉन्फ़िगरेशन की टेंशन मत लो। अभी आप देख लो कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स की बात करनी है, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स की बात करनी है, 14 ये टोटल हो जाएंगे 28 एलिमेंट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स को तो यार एलिमेंट्स के सिंबल याद रखने में ही प्रॉब्लम होती है, आपको एलिमेंट्स के सिंबल याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये वाले निमोनिक्स जान लेंगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ये देखिए, ये लेंथेनाइड्स के लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि यार 6th पीरियड में प्लेस्ड है, उनके लिए सीने पर नदियां प्रेम की समाई क्या होगा, बर्बादी होगी। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में अगर प्रेम ही प्रेम छाया होगा तो बर्बादी होगी, ये निश्चित है। हाँ, इस पढ़ाई के साथ आप प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर पाओगे। तो देखिए क्या होगा फिर, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील हुआ इंजीनियर, कोई इंजीनियर था तब्दील हो गया एकदम से, और क्या, स्वभाव बदल जाता है, जब प्रेम होता है तो स्वभाव बदल जाता है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़गड़ तब्दील हुआ इंजीनियर, तुम यूं भी लुट ही जाओगे। उसको था कि ऐसे भी लुट जाएंगे और वैसे भी लुट जाएंगे, तो प्यार करके लुट जाने में ही भलाई है। हाँ, कॉलेज लाइफ में रहेंगे तो ठीक है, चलता है सब कुछ, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल जिस स्टूडेंट लाइफ से आप गुजर रहे हैं उसमें ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यार बड़े अच्छे निमोनिक्स हैं, मुझे लगता है याद हो गए होंगे आपको। देखिए, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने से क्या मिलता है, सी ई पर पी आर, नदियां एन डी, प्रेम पी एम, समाई एस एम, एस एम, यूं ही यूं यू, गड़गड़ जी डी, तब्दील तोड़कर लिखना है इसको, टीबीडीवाई, हुआ या हो गया एच ओ, इंजीनियर ई आर, ई आर स्टैंड्स फॉर इंजीनियर, ठीक है, ई आर, तुम टी एम, यूं भी वाई बी, यूं भी वाई बी, लुट एल यू, ही जाओगे, इसका यहां पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, की का भी यहां पर कोई मतलब नहीं है, कहानी क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने यार एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद कर लिया है। आगे देखिए, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स को कैसे किया जाए याद, इनको तीन टुकड़ों में हमें तोड़ना होगा, तीन टुकड़ों में तोड़ना होगा। थोड़े पहलवान, थोड़ा नहीं आएगा यहां, थोड़े आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़े पहलवान
थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। एक बात कंप्लीट हुई, पहलवानों की कोई टोली है, फाइट कर रही है, उनके सरदार हैं, बोल रहे हैं, थोड़े उनसे निपटेंगे, निपट जाएंगे। अब सब्जी मंडी चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक और बात देखिए, हम बोलेंगे ये तो गंदे आम है, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। फिर किसी लड़के के रिश्ते की बात होगी, आपका कोई दोस्त मान लो आमदनी नहीं है, तो क्या बोलोगे आप? सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में नो लड़की राजी, मतलब फैमिली की आमदनी है नहीं, घर पर दो वक्त की रोटी की किल्लत है, तो कहाँ से शादी होगी, है ना। जो बच्ची नहीं है तो नहीं होगी शादी भैया, बिल्कुल नहीं होगी। शादी में भी बड़ा कंपटीशन है, शादी .com पर जाकर देखिए कितना खतरनाक कंपटीशन है ठीक है, अभी मत देखिए, आगे चलकर देखना यार, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, एक बात, पुराने आम कम बिकेंगे, दूसरी बात, सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में नो लड़की राजी, तीसरी बात, ये तीन बात है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में नो लड़की राजी, तीनों बातें आपको क्लियर है। थोड़े टीएच पहलवान पीए उनसे यू, निपटेंगे एनपी, पुराने पीयू, आम एम कम काम नहीं आएगा, कम आएगा कम, सीएम कम सीएम, बिकेंगे बीके, सिर्फ सीएफ, सिर्फ इस ईएस, फैमिली एफएम, की हमने वहां भी काट दिया था, यहां भी की को काट देंगे। आमदनी एमडी, ध्यान से देखना, आमदनी एम नहीं आएगा, एम आ चुका है, ठीक है। आम से हमने एम को बना दिया है, ठीक, एम को लिख दिया है, तो आमदनी इससे हम क्या लिखेंगे, एमडी, मे को काट देंगे, नो एनो, लड़की राजी एल आर एल आर एल आर। आई होप आपने यार इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को भी कर लिया होगा याद, बड़ी गजब की ट्रिक है ना, मजा आ गया ना आपको। चलिए, अगर यार ये ट्रिक आपको लाजवाब लगी है तो अच्छी बात है। अब हम जानेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसे है। सिंस एफ ऑर्बिटल लाइज मच इनसाइड देन डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल तो यार और अंदर होगा, इन रिलेशन टू ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ये किस प्रकार से रिलेटेड है, इनके अंदर ही तो मिलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना यार। 58 से लेकर 71, 90 से लेकर 103, ठीक है। तो अगर अंदर का मामला है, अगर ये अंदर का मामला है तो ऐसे एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देंगे, इनर ट्रांजिशन के अंदर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देंगे, ये आप जानते हैं। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई भी किया गया है। हाँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एफ ब्लॉक आर डिफ्रेंशिएटेड इन टू टू कैटेगरीज। कैटेगरी नंबर वन, पहली जो सीरीज एलिमेंट्स की से लेंथेनाइड सीरीज बोला जाता है, इस सीरीज में एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं एटॉमिक नंबर 57 से 71, या बोल सकते हो 57 के बाद वाले 58 से 71, ठीक है ना, 58 से 71, इन एलिमेंट्स की हमें बात करनी है, ठीक है। जो सेकंड सीरीज है, जो सेकंड सीरीज है, क्या बोलते हैं इनको, एक्टिनाइड्स। पहली सीरीज को लेंथेनाइड्स बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर, देखिए एल ए रिप्रेजेंट करा एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स को, इसे लेंथेनाइड्स बोला गया है।
फिर एक्टिनाइड्स की बात करें, सेकंड सीरीज में एक्टिनाइड्स हैं एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103, हाँ 14 एलिमेंट्स मिलते हैं। ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है। ये वाले जो एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 वाले लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। एक ही शरारती है बस, प्रोमिथियम पीएम, हाँ इसके अलावा सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। लेकिन सेकंड सीरीज वाले तो सारे ही खतरनाक हैं, सारे ही रेडियो एक्टिव हैं। एटॉमिक नंबर 90 से 103 वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिनको एसी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि एक्टिनाइड्स हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। आई होप आपने यार इस बात को जान लिया होगा, याद कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका देखिए। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना हम सीखेंगे। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन लिखना पहले ही सीख चुके हैं। एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन लिखना भी जानेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। क्या करेंगे हम, सब के लिख देंगे, यानी कि लेंथेनाइड सीरीज के केस में 4F क्या लिख देंगे, 4F 5D 6S ये लिख देंगे, ठीक है। एक एक यूनिट से यार N की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे होंगे। ये N माइनस 2F है, ये क्या N माइनस 1D और ये क्या है, ये NS है। ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब जब हम सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे तो F में आ जाएगा, F की खोपड़ी में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद रख लो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, बाकी की कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। F में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और सीरियम के केस में देखना डी में 5D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और 6S में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हाँ, NS में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, 2 मिल रहे होंगे। इसको याद कर लो आप एक बार, इसको याद कर लोगे काम बन जाएगा, टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है, आपका पूरा काम बन जाएगा। याद कर लिया आपने इसको, अगर यार आपने इसको याद कर लिया है, अब ध्यान से देखो ये तो 5D में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सीरियम के केस में मिल रहा होगा, ये आपको गैडोलिनियम के केस में मिल रहा होगा, और ये आपको ल्यूटेटियम के केस में मिल रहा होगा। ल्यूटेशियम भी बोलते हैं काफी सारे लोग, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है। इन तीन का होगा ये एक्सेप्शन, ठीक है ना, जहां पर 5D में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इनके लिए कोई लर्निंग ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे। सी के केस में, जीडी के केस में और एलयू के केस में आपको 5D में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा 5D के केस में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सी से लेकर एलयू तक। अरे वाह, मजा आ गया। फिर क्या करना है, फिर तो यार आगे जाएंगे, पीआर की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी 4F में चला जाएगा, और एटॉमिक नंबर एक यूनिट से इंक्रीज हुआ है, मतलब 4F में एक और इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना होगा, मतलब 4F2+1। हाँ, एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 4F2+1, हाँ एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। इसके बाद एक एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना है, और 4F में इलेक्ट्रॉन हमें एक एक यूनिट से क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो हम देखना EU तक पहुंच जाएंगे, फिर GD की बारी आएगी, तो कॉन्फ़िगरेशन देखना इस प्रकार से नहीं मिलेगी कि 4F और 6S में इलेक्ट्रॉन हो, 4F 8 और 6S2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी। ये एक्सेप्शनल केस है, यहां देखिए 5D में इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। हाँ, बताया था मैंने 5D1 सीरियम के केस में मिल रही होगी, GD के केस में कॉन्फ़िगरेशन मिल रही होगी, और LU के केस में मिल रही होगी। तो C और GD तक हमने बात कर ली है, अब C और GD की हमने बात कर ली है, यहां तक भी हमने बात कर ली। अब देखना आगे चलेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां जाएगा ही, आगे तो 5D में इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, और एटॉमिक नंबर एक और यूनिट से इंक्रीज हो गया है, तो मतलब 4F8+1 4F9 6S2, फिर एक एक यूनिट से एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, अरे वाह। और लास्ट केस में देखना 4F14, तो लास्ट वाले केस से पहले ही हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स, अब लास्ट केस में 5D में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये एक्सेप्शनल केस आपको पहले बताया जा चुका है, जहाँ 5D में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यार आपको CE, GD और LU के केस में 5D में मिलेगा। बस आपको ये वाली बात
याद रखनी है। और अब यार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या एफ में इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं? वन, फिर देखिए यहां तो जीरो, यहां देखना वन, फिर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, सेवन नहीं रेगुलरली इंक्रीज हो रहे, सेवन के बाद देखना नाइन। अगर यार एटम पर कोई चार्ज नहीं है तब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो यार इस प्रकार से एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो ऐसे केस में एफ में इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली इंक्रीज नहीं हुए। लेकिन अगर हम इसका ट्राई पॉजिटिव आयन बना दें, फिर देखना ट्राई पॉजिटिव आयन बना दें, एफ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, हाँ फिर देखना ट्राई पॉजिटिव आयन के केस में एफ में यार रेगुलरली इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हुए आपको मिल रहे होंगे। मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप यार आंसर आसानी के साथ कर पाएंगे। और टेट्रा पॉजिटिव आयन तो इनका ही बनता है, सीरियम का, सी का, पीआर का, ठीक है, सीने पर नदियां है ना। इसके लिए एक मैं ट्रिक बनाना चाहूंगा, ट्राई पॉजिटिव के बाद जो टेट्रा पॉजिटिव आयन बन रहा है सी ई पी आर एन डी, सीने पर नदियां तालाब है ना, सीने पर नदियां तालाब, और सीने पर नदियां, हाँ नदियों से ये डी वाई भी आ जाएगा और तालाब है ना, नदियां तालाब। इससे यार हम इनको याद करने में कामयाब हो पाएंगे और ये याद रख पाएंगे कि टेट्रा पॉजिटिव आयन मिलता है सीने पर नदियां तालाब, ठीक है, सी ई पी आर एन डी डी वाई तालाब टी बी। ये ट्राई पॉजिटिव के अलावा टेट्रा पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं, टेट्रा पॉजिटिव आयन भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करनी है अपने को, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है प्लस थ्री, ठीक है ना। आप बोल देंगे यार प्लस थ्री इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री मिलती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। देखना ये शानदार अंदाज में ट्राइवेलेंट आयन समय देखने को मिल रहे हैं। क्या प्लस टू कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल हो सकती है? देखिए अगर हाफ फील्ड और फुली फील्ड का केस है कहीं पर, 4F7, ठीक है ना, और यहां देखना 4F14, हाफ फील्ड और फुली फील्ड का केस कहीं मिलता है तो उस केस में यार डाइवेलेंट आयन भी ज्यादा स्टेबल मिल सकता है। और ट्राइवेलेंट की स्टेबिलिटी तो यार नॉर्मली ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो क्या कभी टेट्रावेलेंट आयन ज्यादा स्टेबल मिल सकता है? हाँ, हाफ फील्ड का केस हुआ तो वहां पर यार टेट्रावेलेंट आयन ज्यादा स्टेबल मिल सकता है। याद रखेंगे इस बात को, एफ सबसेल हाफ फील्ड हुई मतलब सात इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 14 आ सकते हैं, सेवन ऑर्बिटल हैं, सभी ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हों तो 4F7 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए टेट्रावेलेंट आयन की, हाँ ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल्स जो हैं कि ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो जब भी किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो जहां पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है उस आयन की यार स्टेबिलिटी क्या मिल रही होगी? ज्यादा मिल रही होगी। जब भी ऐसा कोई केस मिले किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ आयन मिल रहा है और हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल देखने को मिल रही है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हाफ फील्ड और फुली फील्ड सबसेल देखने को मिल रही है तो यार ज्यादा स्टेबल होगी। हाफ फील्ड मतलब एफ सेवन एंड फुली फील्ड मतलब एफ फोर्टीन आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड एफ सबसेल्स are more stable. Therefore, आयंस विद
आयंस विद दिस कॉन्फिगरेशन, दिस कॉन्फिगरेशन हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ऐसे हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन के साथ आयंस मिल रहे होंगे तो उनकी यार एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पाएगी। याद रखेंगे आप इस बात को, चलिए वेरी नाइस। इसके बाद देखिए, इसके बाद यार आपको यहां डी में वन इलेक्ट्रॉन इन केसेस में देखने को मिलता है। पांच तो तीन केस थे, सी था, जीडी था और एलयू था। यहां देखिए, यहां देखिए पहलवान उनसे निपटेंगे, पहलवान उनसे निपटेंगे। तीन एलिमेंट्स तो ये हैं। इसके बाद कम, पहलवान उनसे निपटेंगे, कम लड़ेंगे, हाँ लड़ाई कम करेंगे, निपटेंगे जरूर लेकिन लड़ाई कम कर रहे होंगे। ये ट्रिक आप याद रखेंगे किसके लिए, जब भी डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो इसके लिए यार ये वाले ट्रिक आप याद रखेंगे। और कौन से डी में जाएगा, सिक्स डी में जाएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ये हम यहां से स्टार्ट कर रहे होंगे। कहां से देखिए, n माइनस टू, एन माइनस टू एफ, मतलब यार फाइव एफ से इस कहानी को शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद एन माइनस वन डी, सिक्स डी, इसके बाद एन एस, सेवन एस, इस प्रकार से यार हमें देखना कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। टी एच से स्टार्ट कर रहे होंगे, हाँ टी एच से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपको टी एच के केस में भी डबल ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एफ में इलेक्ट्रॉन जीरो मिलेंगे, हाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें टू होंगे और इसमें टू होंगे, हाँ टू टू होंगे। यहां से हम इस कहानी को स्टार्ट कर रहे होंगे टी एच से, ठीक है, टी एच से इस कहानी को स्टार्ट कर रहे होंगे। सिक्स डी में वन नहीं बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टू होंगे। ये मैं आपको काफी पहले ही बता चुका हूं, काफी पहले ही यहां पर मैं बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, डी में इलेक्ट्रॉन या तो जीरो होंगे या वन हो या फिर टू होंगे, जीरो होंगे या वन होगा या फिर टू होंगे। तो यहां देखिए, ये ऐसा केस है जहां डी में दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये टीएच का केस है। इसके बाद पहलवान उनसे निपटेंगे, कम लड़ेंगे, ट्रिक याद होगी, पहलवान उनसे निपटेंगे, कम लड़ेंगे। अब देखिए यहां 61, 61, 61 और यहां भी देखना 61, यहां भी देखना 61। और इसके बाद एक एक यूनिट से आपको क्या करना है, इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं इनमें हमें क्या देखना है, अटोमिक नंबर एक यूनिट से इंक्रीज कर रहा होगा, इनके बाद देखिए एक यूनिट से अटोमिक नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब हमें 5f में इलेक्ट्रॉन को एक यूनिट से क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। और ये सफर यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। शुरुआत आप देख लो, कॉन्फिगरेशन को याद कर लो, कहां कहां पर 61 मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया, और टीएच के केस में 60 नहीं, 61 नहीं, बल्कि क्या मिलता है, 62 मिलता है। अब क्या ये कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखकर दिखाऊं आपको, अरे आपके सामने लिखी हुई है, इंटरप्रेट तो आप कर लो यार, है ना, ये तो आपको देखना ही होगा। इसके बाद देखना यहां 60 नहीं आएगा, पहलवान उनसे निपटेंगे, इसमें पीयू तो है नहीं, तो क्या करेंगे, एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब 4F4 से 4F5 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, लेकिन 60 होगा, इस वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां जाएगा, तो 5F5 ना होते हुए क्या हो जाएगा, 5F6 हो जाएगा, जब एटॉमिक नंबर एक यूनिट से यहां जाने पर इंक्रीज हुआ होगा, तो यार 5F4 की बजाय 5F6 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो जाएगा, एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ 5F5, और ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, मतलब 5F5+1 5F6 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद 5F7, और फिर देखना एक्सेप्शन आ जाएगा, तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना है ये कहां चला जाएगा, 6D में चला जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद 5F7 से 5F8 होने चाहिए, लेकिन यह एक्सेप्शन तो है नहीं, 60 में इलेक्ट्रॉन इसके लिए होना नहीं चाहिए, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, हाँ जब यहां से यहां जाओगे आप तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां मिल रहा होगा, एक यूनिट से यहां एटॉमिक नंबर देखिए इंक्रीज होता हुआ मिल रहा होगा, और साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां जाएगा, तो 5F7 से 5F8 नहीं होगी, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 5F9 हो जाएगी। यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिलता है, फिर आगे चलेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, यह इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यहां मिलता है, यहां देखने को मिलता है, और फिर फाइनली यहां जाएंगे तो देखना जो एटॉमिक नंबर एक यूनिट से इंक्रीज हुआ इसके कोरस्पोंडिंग जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गया ये कहां गया,
यार 6d में जाएगा। हाँ ये भी एक्सेप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, जहां इलेक्ट्रॉन 6d में जाता हुआ मिल रहा होगा। बोलो, क्योंकि यार 5f पूरा भर गया, अब कहां जाएगा, अब तो 6d में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। एज सच वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं, लेकिन मैंने नाम दे दिया है जहां जहां पर भी 6d1 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही होगी, उन सबको मैंने एक्सेप्शन का नाम दे दिया है। वैसे तो यार इसके भरने के बाद यही तो जाएगा एक्सेप्शन, तो वैसे देखा जाए तो वाकई में यहां था एफ कंप्लीट नहीं हुई उससे पहले 6d में भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये गलत बात है। तो एक्सेप्शन यहां था, लेकिन इसको भी मैंने इसमें ही इंक्लूड कर लिया ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अरे क्लियर है कहानी। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट आने से पहले एक्सेप्शन आ जाता है गलत बात है। मैं आपको बता दूं यार, ये एनर्जी में काफी पास रहते हैं, तो इसलिए कभी कभी छिटक कर डी में भी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। और ये मायावी केसेस कौन से हैं जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, इनसे रिलेटेड हमारी यार खूब बातचीत हो चुकी है। क्या सिमिलैरिटीज मिलती है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में? आपको बता दूं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। यहां देखना, एक्टिनाइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है दैट इज +3। क्या हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलती है? हाँ, एक्टिनाइड्स के केस में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी काफी सारे मेंबर्स दिखा रहे होंगे, तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती है। कौन कौन सी मिलती है करेंगे इसकी बात, बट फिलहाल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की गई है, सिमिलैरिटीज की बात की गई है। आगे देखिए, दे आर इन्वॉल्व्ड इन फिलिंग ऑफ n-2f ऑर्बिटल्स और सबशेल। जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होगा ये n-2f में एंटर हो रहा होगा। जनरल कॉन्फिग्रेशन की बातचीत हो चुकी है। दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड रिएक्टिव इन नेचर। ये काफी रिएक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। विद इंक्रीज इन एटोमिक नंबर देर इज अ डिक्रीज इन एटोमिक एंड आयनिक साइज। यार लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपने सुनी होगी, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपने सुनी होगी, 4f एंड 5f की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जिनका पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो आयनिक साइज है एटोमिक नंबर इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज होते हुए मिलते हैं, इसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ चुके हैं, बोथ शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हाँ ये मैग्नेटिज्म भी एग्जिबिट कर रहे होंगे, आपको बता दूं। और F0 एंड F14 के अलावा F1 से लेकर F1 to F7 जो मैग्नेटिज्म है ये इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, या नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ या नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस केस में ये डायमैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे? इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर अब्सेंट देन दीज आर डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिज्म काफी कम होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं तो डायमैग्नेटिक होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो ऐसे केस में मैग्नेटिज्म जो होगा ये काफी कम होगा। लेकिन हम F1 से लेकर F7 तक जाएंगे तो मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, वही बात करें F8 से लेकर F14 तक, ऐसे केस में मैग्नेटिज्म डिक्रीज कर रहा होगा, मैग्नेटिज्म डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे होंगे। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहे होंगे। बोलो ये कहानी है कि नहीं है? हाँ यही तो कहानी होगी। F0 और F14 के केस में मैग्नेटिज्म सबसे कम मिलेगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनको डायमैग्नेटिक बोला जाएगा, और F1 से लेकर F7 तक अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो पैरा मैग्नेटिज्म जो है इंक्रीज होगा, और F8 से लेकर F14 तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग देखने को मिल रही होगी तो ऐसे केस में यार इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही होगी तो ऐसे केस में मैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, ये वाले कहने क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, जो मोस्ट पैरा मैग्नेटिक है दैट इज ND। दिस इज मोस्ट पैरा मैग्नेटिक। काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे
सर ये कैसे, इसमें तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ये मोस्ट पैरा मैग्नेटिक कैसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, आप जिस मैग्नेटिज्म की बात करते हो दैट इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, लेकिन स्पिन के अलावा आप नॉलेज के लिए बता दूं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी होती है। तो जब स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों को कंसिडरेशन में लाया जाता है तो एनडी के केस में सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म मिलता है। हाँ ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है, ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, एनडी जो है मोस्ट पैरा मैग्नेटिज्म एग्जिबिट कर रहा होगा, क्योंकि इसके लिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाए तो मैक्सिमम डेटा मिलता है जिसके बिहाफ पर हम बोल पाएंगे हाँ यार इसका मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होगा। चलिए कॉमन बातें हमने कर ली, अब अलग अलग से ही बात कर लें। लेंथेनाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को जान ले। लेंथेनाइड्स जो है ये सॉफ्ट है, सिल्वरी व्हाइट कलर होता है, चलिए बहुत बढ़िया है। दे हैव मेल्टिंग पॉइंट्स रेंजिंग फ्रॉम 1000 केल्विन टू 1200 केल्विन, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज में मिलता है। लेकिन समरियम एक एलिमेंट है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इस रेंज में नहीं मिलता है। हाँ जो LA सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज है, इसमें समरियम एक एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यार इस रेंज से बाहर मिलता है। और कितना मिलता है? 1623 केल्विन मिलता है। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आपको बता दूं, फिर कहोगे ये कहां से आ गया? भैया ये प्यारी प्यारी बातें आपको बता रहा हूं। लेंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। दे आर नॉन रेडियोएक्टिव, तो लेंथेनाइड सीरीज के मेंबर हैं ये नॉन रेडियोएक्टिव हैं, और एक ही इसमें अजूबा है, जो अजूबा है ये प्रोमीथियम है, पीएम है, जो कि रेडियोएक्टिव है। और आयनिक रेडियाई जो है डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर एनसीईआरटी बुक में इसका ग्राफ भी दिया हुआ है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन 4F सबशेल में जा रहे हैं जिसका पुअर स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, रेडियाई घट रहा होगा, इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ये वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे होंगे यार एक्टिनाइड से जुड़ी हुई कुछ प्यारी प्यारी बातें। एक्टिनाइड एलिमेंट्स अपीयर टू बी सिल्वरी, इनका जो कलर है ये सिल्वरी मिलता है, ठीक है। दीज एलिमेंट्स हैव रेडियोएक्टिव नेचर, बड़े धमाकेदार एलिमेंट्स हैं, डीके होगा इनका, डिसइंटीग्रेशन होगा, किस प्रकार से होगा ये तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही पढ़ रहे होंगे, फिलहाल इसको आप नोट कर लें। आगे देखिए, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, हाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जानेंगे, एंड इनकी जो रिएक्टिविटी है ये तब ज्यादा होगी जब ये पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, फाइनली डिवाइडेड होंगे। यहां भी यार जो आयनिक रेडियाई है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि यहां 4F के अलावा 5F इन्वॉल्व है। हाँ एक और पीरियड नीचे जाएंगे, एन की वैल्यू एक और यूनिट से यार इंक्रीज कर रही होगी F के लिए, मतलब यहां कौन सी सबशेल इन्वॉल्व होगी? 5F इन्वॉल्व होगी, जिसका पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा और रेडियाई डिक्रीज हो रहा होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। दे जनरली एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। हाउएवर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज आर नोन टू एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्वाइट डिफरेंटली। हाँ ये जो एक्टिनाइड सीरीज के पहले कुछ मेंबर्स हैं ये +4, +5, +6, +7 ऐसी हाईर ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट कर रहे होंगे, और +4 तो काफी सारे मेंबर्स एग्जिबिट कर रहे होंगे ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है ना यार, ऑक्साइड फॉर्म में और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। ऑक्साइड और फ्लोराइड में जनरली हाईर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सटेंड में छीनने में कामयाब रहते हैं, इसलिए ऑक्साइड और फ्लोराइड में खोपड़ी में
ज्यादा प्लस चार्ज देखने को मिलता है। ऑक्साइड और फ्लोराइड के केस में इन एलिमेंट्स की खोपड़ी में ज्यादा प्लस चार्ज देखने को मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरिन कैपेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने में। चलिए इसके बाद बात कर रहे होंगे यार लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के डिफरेंसेस की एक साथ, ठीक है ना। कैसे, एक तरफ हम लैंथेनाइड्स की बात कर रहे होंगे, दूसरी तरफ एक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स की बात कर रहे होंगे। याद है पॉइंट नंबर वन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ 4f सबशेल। हाँ, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है 4f सबशेल में एंटर हो रहा होगा, लेकिन एक्टिनॉइड्स के केस में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5f सबशेल। हाँ, इस केस में यार एक यूनिट से, ये देखना इसका जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये इंक्रीज हो जाएगा। एक्टिनॉइड्स के केस में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन 5f में एंटर होगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी 4f की ज्यादा होगी, न्यूक्लियस के पास है, बाइंडिंग एनर्जी 5f की कम होगी, न्यूक्लियस से दूर है। दे शो लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे शो ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। यहां देखना 4f के बाद 5f को भी फिल करना है, मतलब और ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिस वजह से जेड इफेक्टिव ज्यादा एक्सटेंड में इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा मिलता है तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा मिलती है। मोस्ट ऑफ लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस, मोस्ट ऑफ एक्टिनॉइड्स आर कलर्ड। कलर आने का जो रीजन है ना यार, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, और ये ट्रांजिशन तभी संभव हो पाएगा जब अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा। तो देखना F1 से लेकर F13 तक आयंस विद F1 टू F13 आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, आयंस विद F1 टू F13 कॉन्फिगरेशन आर एक्सपेक्टेड, हाँ एक्सपेक्टेड होंगे, एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड वाइल F0 आयंस विद F0 आयंस विद और आयंस हैविंग F0 और F14 कॉन्फिगरेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं F में, और यहां देखना सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट से हाईर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा। तुम क्या बोल देंगे, ऐसे केस में ये कलरलेस होंगे, बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है। और सेम कॉन्सेप्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है कलर का। D0, D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो आयंस होंगे ये एक्सपेक्टेड होंगे कलरलेस हैं, और D1 से लेकर D9 कॉन्फ़िगरेशन तक जो आयंस मिल रहे होंगे ये एक्सपेक्टेड होंगे कि कलर है। एक एक्सरसाइज में NCERT बुक में यार क्वेश्चन दिया भी हुआ है, इन दिए गए आयंस में से आप बता दो कि कौन से कलर्ड हैं और कौन से कलरलेस हैं। तो D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन तक के क्या होंगे, कलर्ड होंगे, और D0, D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आयंस मिल रहे होंगे, दीज आर कलरलेस, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये वाली बात आपने नोट कर ली। या कलर का कोई और रीजन भी है क्या? हाँ, एक चार्ज ट्रांसफर भी रीजन होता है कलर का। कलर के बारे में तमाम बातें हम लोग यार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जान रहे होंगे, फिलहाल मैंने हल्का फुल्का कलर के बारे में बात की है। तो याद रखना एक्टिनॉइड्स किस प्रकार से कलर्ड है, U3+ का रेड कलर, U4+ का ग्रीन कलर है, UO22+ येलो कलर का है। तो इस प्रकार से एक्टिनॉइड्स ज्यादा कलर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो लैंथेनॉइड है ये ऑक्सो कैटायंस नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ कैटायन नहीं बनाएंगे, ये यार इस प्रकार के ऑक्सो कैटायंस बना रहे होंगे UO22+ NPO22+। जो एक्टिनॉइड्स हैं ये इस प्रकार के ऑक्सीजन के साथ कैटायंस बना रहे होंगे, जहां पर देखना जो चार्ज है इनकी खोपड़ी में, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ज्यादा प्लस मिल रहा है। देख लो यहाँ कितना मिलेगा, +6 मिलेगा इसकी खोपड़ी में, यहाँ देख लो +6 मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखना बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड शो +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्यू केसेस। हाँ, ये बातचीत हमारी पहले भी हो चुकी है इस मायावी टेबल में। यहाँ देखना Al2+ के साथ भी हमें आयंस मिलते हैं, हाँ 2+ चार्ज के साथ भी हमें आयंस मिलते हैं, 3+ चार्ज के साथ भी हमें क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। हाँ, कहीं पर 2+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और मेजोरिटी केसेज में 3+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्या 4+ की स्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है? 4+ तो काफी कम केसेस में, फ्यू केसेस में ही देखने को मिलता है
एलन फोर प्लस के देखना, ये केसेस तो कम ही हैं, और इसमें भी देखिए फोर प्लस की स्टेबिलिटी वहां ज्यादा मिल रही है जहां पर हाफ फिल्ड एफ सबसेल होगी एफ सेवन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, किस केस में ये हाफ फिल्ड सबसेल होगी, एफ सबसेल हाफ फिल्ड होगी, इसकी आपको यार प्रॉपर जानकारी दी जा चुकी है। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन वही एक्टिनोइड्स की बात करें, एक्टिनोइड्स के केस में चलिए प्लस थ्री तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ही, लेकिन ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, हाँ ऐसी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्टिनाइड्स फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट कर रहे होंगे। ठीक है ना, एक्टिनाइड जो है ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स इनफेक्ट प्लस सेवन तक एग्जिबिट कर रहे होंगे। देख एक्टिनाइड्स तो यार रेडियो एक्टिव है, लेकिन लेंथेनाइड्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं, किस बिहाफ पर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, इस बिहाफ पर सल्फर 16th ग्रुप का मेंबर है, इससे इलेक्ट्रॉन खाएगा तो एक एटम दो इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा, वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन पहले से थे ही, और दो और खाकर ये कितने बना लेगा, ये तो देखिए ट्राई पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये दो और खाकर अपनी वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन बना लेगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल आयन मिल रहा होगा वैलेंसी के क्रॉस ओवर के बाद। इस प्रकार से देखना हमें Al2S3, हाँ ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हेलोजन की वैलेंस सेल में सात इलेक्ट्रॉन है, एक खाना चाहेगा और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो थ्री प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन खाकर एक्स माइनस बनाएगा, वैलेंसी क्रॉसओवर के बाद आप देखना Al(X3) ये बन रहा होगा। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का मेंबर है, पांच इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, आठ बनाने के लिए तीन खाएगा और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो थ्री प्लस है ही, तीन खाने के बाद इसकी खोपड़िया में थ्री माइनस चार्ज होगा, प्लस थ्री माइनस थ्री इनको मिलाकर LnN ऐसा कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, ये 16th ग्रुप का मेंबर है, छह इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, दो खाना चाहेगा, आठ हो जाएंगे और इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है ही, O2 माइनस, हाँ गर्म किया होगा यार, ये बात ध्यान रखना, गर्म किया होगा तभी रिएक्शन हो पाई होगी। तो इस प्रकार से Al2O3 बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कार्बन के साथ गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे केस में यार कार्बाइड बनेगा ऑफ द टाइप LnC2, हाँ इस फॉर्मूला के साथ कार्बाइड मिल रहा होगा, एसिड डालेंगे इसमें, आप जानते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होगा, एसिड डालेंगे तो H2 गैस इवोल्व हो जाएगी, H प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर H2 गैस को इवोल्व कर रहा होगा, इसकी यार पानी के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवा दें, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जो पानी के H प्लस आयन है ये इलेक्ट्रॉन पाकर H2 गैस को इवोल्व कर रहे होंगे। इस प्रकार से हमने यार सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ डील कर लिया है। आई होप यार ये कहानी, ये जो भी बातें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आपको पसंद आई होंगी ना। लेक्चर हमारा यार धुआंधार अंदाज में यहाँ पर फिनिश होता है, हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी तो जान ही ली है और साथ में हमने यार एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी को भी बयां कर लिया है। उम्मीद है आपको यार एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी पसंद आई होगी, और ये जो याद करने वाला जो कार्यक्रम है, ये जो नोट्स हैं, ये अपनी नोटबुक में भी यार आप उतार लेंगे, बना लेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखने से ही काम बनेगा, चीजें आपके लिए आसान, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, अपना प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, उस पर काफी सारे और नोट्स भी आज अपलोड हो रहे होंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नोट्स तो जल्दी अपलोड हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग नोट्स हैं उनकी मैंने लिस्ट बना ली है, वो सारे नोट्स भी अपलोड हो रहे होंगे। अपना जो प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है दैट इज रसायन लीला प्रभु की लीला, ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफिशियल, यहां भी आपको नोट्स मिल रहे हैं। तो चलिए फिर आज की इस कहानी को यहीं पर ही रोक देंगे, यहीं लगाम लगा देंगे, इस वीडियो को कर रहा हूं यहीं पर एंड। अब हम लोग यार अगले चैप्टर में मिल रहे हैं, अगला चैप्टर आपके लिए कौन सा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा, अगला चैप्टर जल्दी फिनिश हो जाएगा, टेंशन मत लो, सिलेबस भी आपका हो जाएगा, आप लोग यार काम करते रहो, जोशीले अंदाज में लगे रहो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।